दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी पूरन पोली। सुरकी चाय चढ़ा दे, बाबा का मंजन हो गया। 10 साल की सुरकी ने बड़ी हिम्मत करके चेहरे से गुदड़ी हटाई और मुंह से धुआं निकालकर बाहर फेंका। झोपड़ी से बाहर नजर दौड़ाई तो देखा कि अभी तक तो घुप अंधेरा ही छाया हुआ था। 3 ही बजे होंगे। भादो आश्विन में ही ऐसी सर्दी पड़ रही थी, पूस आते आते तो मुंह में बर्फ के गोले जमने लगेंगे। आंखें मलते हुए वो बाहर आकर माँ से चिपक कर चूल्हे के पास बैठ गई। जब से सोनाबाई का हादसा हुआ था, पुआल की झोपड़ी में चूल्हे नहीं रखते थे लोग। माँ बाजरे की भाकरी थाप रही थी। सुरकी को पता था, फिर भी उसने चीनी के डिब्बे को खोलकर एक और दफा तसल्ली कर ली कि आज भी चीनी नहीं है। उसे याद ही नहीं कि इस झोपड़ी में आने के बाद उसने कब चीनी खाई हो। उसने पानी में जरा सी चाय पत्ती डालकर चढ़ा दी। बाबा ने उसे पास बुलाकर गोद में बिठा लिया। आप दोनों ये काला पानी क्यों पीते हो? न दूध न चीनी, ये कोई चाय है भला? सुरकी ने बाबा के बनियान में छेद गिनते हुए कहा। मेरी लाड़की को इस दिवाली पूरन पोली खिलाऊंगा, जी भर के मीठा खाना। तो बाबा ने उसे चूम लिया। सुरकी को दिवाली का बेसब्री से इंतजार था। माँ और बाबा दोनों ने बाबा की पुरानी कमीजें पहन ली। सुरकी ने हमेशा माँ का यही रूप देखा था, फटी पुरानी साड़ी, उस पर बाबा की कोई पुरानी कमीज और पल्लू से ढका हुआ चेहरा। गन्ने की कटाई में चेहरे, हाथ कटना छिलना आम बात थी। बाबा तो कई बार बनियान पर ही खेत में घुस जाते। कई दफा तो सुरकी खुद ही उनके घाव पर सत्यानाशी के पौधे का दूध लगाती। गन्ने की कटाई के बाद बाबा, माँ, देव की बुआ, विष्णु काका गन्ने को ट्रक में लोड करते, ट्रक शक्कर के कारखाने की ओर निकल पड़ता और फिर सबके सब गुड़ की भट्टी पर चले जाते। बड़ी सी कढ़ाई में गन्ने का रस उबालते, उसकी चाशनी बनती और चाशनी के गाढ़ा होने पर गुड़ की भेलियां बनती, आधा किलो और 1 किलो की। स्कूल से लौटकर कई बार सुरकी अपने छोटे भाई गोटू को कमर पर बांधे वहीं डोलती रहती। गुड़ की खुशबू से उसका मन मीठा हो जाता। उसका बहुत मन करता कि चाशनी में उंगलियां डुबोए और उन्हें चाटती रहे, लेकिन माँ की बड़ी बड़ी आंखों से वो सहम जाती, इर्द गिर्द मंडराती रह जाती। देव की बुआ तो उसको देखते ही माँ से कहती, तुम्हारे गुड़ की मक्खी आ गई सावित्री। देव की बुआ की अपनी कोई औलाद नहीं थी। सुरकी को औरतों की बातों से इतना समझ गया था कि गन्ने तोड़ने वाली औरतों को किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, फिर उनके बच्चे नहीं हो पाते। अब बच्चे संभालेंगे या गन्ने तोड़ेंगे, बताओ? पाटिल दादा छुट्टी भी तो नहीं देते कि कोई औरत मायके जाकर माँ बनने का सुख ले सकें। अब सबके पास तो सुरकी नहीं होती ना, जो सूरज से पहले रोशन होकर चाय चढ़ाए, झोंपड़ी बुहारे, पाटिल दादा के खेत से तुरई उठा लाए और उसको पकाए भी। उसने माँ से ही तुरई बनाना सीखा था। जरा सा तेल और खूब सारा पानी, रस्सेदार तुरई। सुरकी गोटू को नहलाती, गेहूं का दूध पकाकर पिलाती और फिर उसे गन्ने के खेत की पगडंडी वाले आम तले झूले में टांगकर स्कूल चली जाती। जाते जाते माँ को ही हिदायत दे जाती, उसे रुलाना मत ज्यादा, उठा लेना गोद में। 10 साल की उम्र में सुरकी घर की दादी बन गई थी। सुरकी 6-8 महीने ही स्कूल जा पाती थी। गन्ने की कटाई के बाद अपने गांव लौटना होता था। इसी खानाबदोशी के चलते उसके दोस्त नहीं बन पाते थे। कई बार वो स्कूल में अकेली ही पीपल तले डिब्बा खाती, अपनी फटी हुई एड़ी से कंकड़ निकालती या बबूल के कांटे से पांव के कांटे निकालती। अभी पिछले 10-15 दिन से मीनू उसके साथ बैठकर डिब्बा खाने लगी थी। मीनू के डिब्बे में अक्सर शक्कर रोटी होती थी, पर सुरकी ने कभी हिम्मत नहीं की कि उसके डिब्बे में हाथ डाले। मीनू के साफ सुथरे कपड़े, चमचमाते जूते, चोटियों के लाल रिबन सुरकी को बता देते थे कि तुम मेरे डिब्बे में हाथ नहीं डाल सकती। सुरकी सहम कर रह जाती। बाजरे की भाकरी और हरी मिर्च की चटनी का निवाला उसके मुंह में देर तक घूमता रहता। आज स्कूल से निकलते वक्त चौहान मैम ने उसको फिर टोक दिया। सुरकी, कल से लेगिंग्स पहन कर आना, अब तुम बड़ी हो गई हो।
सुरकी ने रोज की तरह आज भी स्कूल से निकलकर पगडंडी पर आंखें मूंद लीं और खुशबुओं के सहारे झोपड़ी का रास्ता ढूंढने लगी। इस खेल में वो अब माहिर हो गई थी। अब तो पांव रास्ते के कंकड़ कांटे भी पहचान लेते थे। आंखों का काम कम हो गया था। नथुनों में पहली हाजिरी गोबर की लगती तो वो समझ जाती कि तुकाराम दादा की गौशाला से वो गुजर रही है। फिर टीले से होकर उतरते उतरते पोल्ट्री से आती हुई मुर्गियों की बू से उसके माथे पर बल पड़ जाते। फिर गन्ने की हल्की सी मीठी खुशबू उसे सुकून दे जाती। गन्ने के खेतों से होकर वो पाटिल दादा के तुरई के खेत में पहुंची और एक बड़ी सी तुरई उखाड़ ली। पाटलिन बाई ने उसे आवाज लगाई और सुरकी के पांव वहीं जम गए। तू सावित्री की बेटी है ना? जी भाई साहब। सुरकी ने आंखें झुका ली। ये तुरई किससे पूछ के तोड़ी? उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। सुरकी जमीन की ओर देखती रही। उसका मन किया कि वहीं धस जाए। तुम लोग तो टिड्डी की तरह खेत खाने लगे हो। उन्होंने उसकी बाह पकड़ ली। सुरकी के हाथ से तुरई गिर पड़ी और वो पाटलिन बाई का हाथ छुड़ाकर झोंपड़ी की ओर दौड़ने लगी। उसकी आंखें डबडबा गई थीं, गला रुंध गया था, लेकिन वो रोना नहीं चाहती थी। गुड़ की भट्टी से आती खुशबू की ओर वो दौड़ती रही। रास्ते भर वो मां का चेहरा ढूंढती रही। न जाने कितने कंकड़ पत्थर उसने अपनी एड़ियों में भर लिए थे। सुरकी झोपड़ी की दहलीज पर पहुंची तो मां आंगन में चूल्हा लीप रही थी। गोबर में पानी मिलाकर उसका घोल चूल्हे की दरारों में भर रही थी। सुरकी जाकर मां की गोद में घुस गई। उसने मां को पाटलिन बाई साहब का सारा किस्सा सुनाया। मां चुपचाप सुनती रही, चूल्हा लीपती रही। मां ने कुछ कहा नहीं। उनको पता था कि एक न एक दिन ये चोरी पकड़ी ही जानी थी। उनका कलेजा मुंह को आता जब उनकी सुरकी तुरई तोड़कर लाती। पर वो करती तो क्या करती? वो चूल्हा लीपती रही, दरारें भरती रही। मां यही तो करती आई थी। दरारें भरना जैसे उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। आजी आजोबा की सारी बीमारियां मां ही तो ढोती आई थी। गांव में बाबा के पास ये समय नहीं होता था। किसी न किसी के खेत में बैल की तरह वो जुटे रहते। शाम होते ही किसी नुक्कड़ चौराहे पर अपने यार दोस्तों के साथ जिंदगी के गम भुलाते और रात को घर आकर भाकरी के चार निवालों के बाद नींद में ऐसा डूब जाते मानो सुबह देखेंगे ही नहीं। माँ रात रात आजी को काढ़े बना बना कर पिलाती। उनकी खांसी से आस पड़ोस के लोगों की नींदें उचट जाती। कोई कोई तो माँ को सुना भी देता कि किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो उनको सावित्री, अभी तो सोयाबीन के पैसे आए होंगे ना। अब माँ किस किस को बताती कि किराने की कितनी उधारी, कितनी दवाएं, साहूकार का कितना कर्जा वो ढोती आई है। कभी गलती से उसकी आंख लग भी जाए तो सपने उसे डरा कर उठा देते। मराठवाड़ा के कितने किसान जहर पीकर या पेड़ों को लटक कर मर गए थे, इसका कोई हिसाब नहीं था। वो नींद से जगकर देखती कि बाबा सोए हैं या कहीं उठकर चले गए हैं। बाबा ने इतने सालों में खेत के टुकड़े टुकड़े करके बेच दिए थे, और चारा ही क्या था? सूखी बंजर जमीन का आदमी करे भी क्या? आजोबा हर बार उनको टोकते कि बेटा खेत तुम्हारी माँ जैसा है, उसके साथ ये सलूक तो ना करो। पर बातों से न तो खाद आती थी, न बैल, न ही बारिश। भरी दोपहरी में बाबा खेत में बैठकर आसमान को तकते रहते कि कब उसका सीना पिघलेगा और पानी बरसेगा, वो भी मरा कठोर। सुरकी की एड़ियों की तरह जमीन में दरारें पड़ने तक एक बूंद न टपकी। विष्णु काका ने सलाह दी कि चलो पुणे के पास वाले गांव में चलते हैं, वहां गन्ने तोड़ने का बहुत काम है। पाटिल दादा ने सुरकी को देखते ही मना कर दिया था कि बाल बच्चों और परिवार वालों को यहां कोई काम नहीं है। उनके यहां काम करने वाली औरतों को बच्चे नहीं होते थे, उनके पालने पोसने खांसी जुकाम में छुट्टियां नहीं होती थीं। काम बेहतर होता था, खर्चा कम होता था। बिना बच्चों वाले परिवार ना उधारी मांगते थे, ना चोरी चकारी करते थे। बड़ी मिन्नतों के बाद आखिरकार वो माने थे। अगले दो सीजन तक एक ढेला नहीं बढ़ाऊंगा। पैसे बढ़ाने की बात करने आओगे तो उसी दिन अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना सत्तू। उन्होंने बाबा को सख्त ताकीद दी थी, पर आज वही हुआ था।
पाटलिन बाई ने पहले एक दो बार तुरई वाली बात नजरअंदाज कर दी थी, लेकिन आज शायद बात निकलेगी। पाटिल दादा ने अगर जाने को कह दिया तो गांव जाकर वही सारे भूत दोबारा पीछा करने लगेंगे। माँ की आंखों से वो दिन हटाए नहीं हटता था। महज 23 साल का लड़का, 2 साल से उसके खेत में एक हरा पात ना निकला था। उस सुबह खेत बेचकर वो लड़का दिन भर टीले पर घूमता रहा। शाम को माँ खेत से लौटी तो उसकी देह बरगद से झूल रही थी। माँ ने पल भर को सोचा कि वो तुरई लौटा आए तो बात संभल जाएगी, पर सुरकी डर के मारे तुरई वहीं छोड़ आई थी। विष्णु काका आंगन में हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठे थे। पाटिल दादा उनके सामने खड़े थे। जमीन पर गुड़ की 5 भेलियां पड़ी हुई थीं। सुरकी माँ का पल्लू पकड़े सब देख रही थी। गुड़ की भेलियां देखकर उसके मन में पूरण पोली के सपने घूमने लगे। दिवाली आते ही वो पूरण पोली खाएगी जी भर के। माँ चने की दाल पकाकर उसमें गुड़ मिलाएगी और पूरण बनाएगी, जिसे गेहूं के आटे में रखकर पराठा बनेगा मीठा। हो गई पूरण पोली। बाबा का वादा वो भूली नहीं थी और न ही उसने बाबा को भूलने दिया था। बाबा आजकल रात को गन्ने की रखवाली भी करने चले जाते थे। वो रोज रात उनको याद दिलाती कि ठंड बढ़ रही है, यानी दिवाली आने को है। विष्णु काका को गठिया की तकलीफ थी, वो ठंड सह नहीं पाते थे। आज शाम ढल चुकी थी, ठंडी हवा बह रही थी, पर न जाने क्यों विष्णु काका घुटनों के बल बैठे हुए थे। पाटिल दादा ने उनको बड़े गुस्से से फटकारा। अब ऐसे क्यों बैठे हो? गुड़ चुराते समय तो ये शर्म खा चुके थे ना तुम। मालिक, ये गुड़ खराब ही हो गया था, चीटियां चढ़ चुकी थी, फिकने में जाता। जबकि विष्णु काका जानते थे कि खराब गुड़ का घोल बनाकर बैलों के खाने में मिलाया जाता है, फेंका नहीं जाता। पाटिल दादा नहीं माने। उन्होंने 200 रुपये निकालकर वहीं जमीन पर फेंके और जाते जाते विष्णु काका से कह गए, कल अगर तेरा झोंपड़ा दिखा यहां तो समझ लेना। विष्णु काका एक शब्द न कह सके, वहीं घुटनों पर बुत बने जमे रहे। देवकी बुआ ने माँ को बताया कि विष्णु काका ये गुड़ चुरा कर बेचना चाहते थे। उनकी पत्नी के पेट में 3 दिन से बहुत पीड़ा उठ रही थी। कल वो उसे अस्पताल ले जाना चाह रहे थे। वो झोंपड़ी में पड़ी पड़ी कराह रही थी। माँ ने अपने पाँव की पायल उतारी, एक ही थी, एक न जाने कहाँ खो गई थी। वो देवकी बुआ के हाथ थमाई, विष्णु को दे देना, गांव पहुंच जाएंगे दोनों। माँ वही कर रही थी जो वो करती आई थी, दरारें भरना। रात होते होते सब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में चले गए। सुरकी वहीं पड़ी गुड़ की भेलियों के पास मंडराती रही, इतना सा गुड़, विष्णु काको बेघर कर गया, उनका काम छीन लिया, ये कहे का मीठा होगा। अगली सुबह स्कूल में जब सुरकी डिब्बा खाने बैठी तो मीनू आकर उसके पास जम गई। आज मीनू के डिब्बे में पूरण पोली थी। सुरकी की आंखें एक दो बार मीनू के डिब्बे के चक्कर लगाकर लौट आईं। घर लौटते वक्त सुरकी ने देखा कि बरगद तले आधी पूरण पोली वैसी ही पड़ी थी, उसमें चीटियां लग चुकी थीं। गन्ने के खेतों से सर्द हवाएं ऐसे निकलकर आती मानो बस्ती में गुंडे घुस आए हों। कार्तिक के आते आते ठंड बहुत बढ़ गई थी। बाबा आंगन में धूप सेंकते सेंकते पुराने लिहाफ को टांक रहे थे। बाबा, क्या मैं दिवाली में मीनू को भी बुला लूं पूरण पोली खाने? सुरकी ने गोटू को धूप में लाकर बैठा दिया। कौन? मीनू? वो देशमुख की बेटी, वो आएगी तेरे इस झोपड़े में? बाबा ने हंसकर उल्टा सवाल किया। सुरकी ने नजर उठाकर झोंपड़े को देखा। वो बेचारा बूढ़ा हो गया था, पर था तो अपना, क्यों नहीं आएगी? जरूर आएगी, आपको बस पूरण पोली खिलानी पड़ेगी, कंजूसी मत करना। सुरकी ने बाबा को चिढ़ाते हुए उनके गाल खींचे। रात को सुरकी गोटू को अपने और माँ के बीच सुलाकर दिवाली के सपने देखने लगी। बाबा खेत की रखवाली के लिए निकल पड़े थे, आज लिहाफ ले गए थे, ठंड से दांत बजने लगे थे। उन्होंने मचान तले जमीन बुहारी और लिहाफ ओढ़कर बैठे रहे। आम की सूखी लकड़ियां जलाकर हाथ तापते रहे। गन्ने की कटाई हो चुकी थी। कल ट्रक लोड करवा देंगे, कुछ पैसे हाथ आएंगे। शहर जाकर सुरकी के लिए एक परकर पोलका ले आऊंगा। पाटिल दादा से गुड़ ले लूंगा, कुछ पैसे काट लो कहूंगा। गेहूं पिसवाना पड़ेगा, तुकाराम भाऊ की कृपा रही तो घी भी मिल जाएगा।
गर्मा गर्म पूरण पोली पर घी खाएगी तो खुशी से झूम उठेगी मेरी लाड़की। इस बार की दिवाली उसे याद रहेगी। सावित्री के हाथ की पूरण पोली खाए हुए कितने साल हो गए, क्या पता वो बनाना ही भूल गई हो। गन्ने काट काट कर हथेली की रेखाएं मिट गई उसकी। बाबा अकेले में हमेशा माँ के बारे में सोचते। जो प्यार वो शब्दों में ना कह पाते वो अकेले में जी भर के बोल देते। अभी माँ आ जाए तो एक शब्द ना निकले बाबा के मुंह से। बाबा ने कोयला फूंक कर आग बढ़ा दी। ठंड के पंजे गढ़ने लगे थे, लिहाफ कमजोर पड़ रहा था। बाबा की आंखों पर नींद चढ़ने लगी थी। सूखी लकड़ियों की आग बढ़ने लगी। बाबा नींद में डूब गए थे। आग धीरे धीरे खुलने लगी। उसने मचान के पांव पकड़ लिए और ऊपर चढ़ने लगी। झोंपड़े के किवाड़ पर कोई हाथ पीटने लगा। माँ हड़बड़ा कर उठ गई। देखा तो देवकी बुआ हांफ रही थी। सावित्री, मचान में आग लग गई, सत्तू नीचे दब गया है। माँ होश खोकर खेत की ओर दौड़ने लगी। बहुत दूर से काले आसमान में लाल चिंगारियां उड़ती हुई दिख रही थी। लोग लुगाई पानी से भरी बाल्टियां लेकर दौड़ रहे थे। माँ मचान के पास पहुंची, तब तक वो गिरकर ढेर हो चुका था। माँ वहीं निढाल होकर बैठ गई। देवकी बुआ ने माँ का माथा अपने सीने से लगा लिया। माँ की सांस अटक गई थी, जबान मुंह में उल्टी घूम गई थी। न बोल पा रही थी न रो पा रही थी। सुरकी और गोटू गहरी नींद में झोंपड़े में सो रहे थे। सपने में दिवाली की फुलझड़ियों को देखकर चहक रहे थे। बाबा को गए हुए 2 दिन हो गए थे। सुरकी देवकी बुआ से चिपकी हुई थी। उसे अब माँ की खामोशी से डर लगने लगा था। आंगन में माँ चूल्हे के पास चुपचाप बैठी हुई थी। गोटू के रोने की आवाज़ इस खामोशी पर पत्थर मारे जा रही थी। तुकाराम दादा ने आंगन में एक नन्हा लोटा दफन कर दिया था। उसमें हड्डी के 2 टुकड़े और मुट्ठी भर राख थी। ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। 10वें दिन बहा देंगे, कहकर वो चले गए। पाटलिन बाई ने आकर माँ के कान में कुछ कहा। सुरकी ठीक से सुन नहीं पाई, बस माँ का जवाब उसने सुन लिया, कल से आती हूँ। अगले रोज माँ बाबा की पुरानी कमीज पहनकर पल्लू से चेहरा ढांक कर गन्ने के खेत पर चली गई। जैसे कोई हंसिए से गन्ना काटता है, माँ और सुरकी ने आने वाला हर दिन काट गिराया। आज 13वीं का दिन आ गया था। सुरकी सुबह जब गुड़ की भट्टी की ओर गई तो उस खुशबू ने उसका मन मीठा नहीं किया। उसका मन नहीं हुआ कि चाशनी में उंगलियां डुबो कर उन्हें चाटती रहे। वो बार बार खेत के उस राख भरे टुकड़े को निहारती रही जो उसके बाबा को खा गया था। तुकाराम दादा अपनी गैया की पूजा कर रहे थे। गैया के सींगों में रिबन बंधे थे, पाँव में घुंघरू थे। थाली भर कर खाना उसके सामने सजाया हुआ था। एक पल को सुरकी समझ ही नहीं पाई कि आज गैया की पूजा क्यों हो रही है। फिर एकदम से उसे ख्याल आया कि आज तो वसु बारस है, दिवाली का पहला दिन। उसे बाबा की बात याद आ गई। मेरी लाड़की को इस दिवाली पूरण पोली खिलाऊंगा, जी भर के मीठा खाना तू। बाबा ने उस दिन उसे चूम लिया था। सुरकी की आंखें भर आईं। उस राख के ढेर में उसे अपने बाबा का चेहरा दिखने लगा था। वो झोपड़े की ओर दौड़ी, दौड़ती रही। बस्ती में घुसते ही वो अपना झोंपड़ा ढूंढने लगी। आज मानो वो 2 कदम का रास्ता भटक गई थी। झोंपड़े के बाहर बैठकर लोग 13वीं का खाना खा रहे थे। सुरकी दौड़ कर माँ से लिपट गई। झोंपड़े के बाहर एक कुर्सी पर बाबा की एक तस्वीर रखी हुई थी। सुरकी एकटक उसको देखती रही। देवकी बुआ ने उसे माँ की गोद से उठकर पंगत में बिठा दिया। खाना खा ले बिटिया, देख तेरी सहेली मीनू भी आई है। मीनू आकर सुरकी के पास बैठ गई। मीनू ने अपनी मासूम आंखों से सुरकी से पूछा, आज खाने में क्या है सुरकी, देख तो जरा। सुरकी की नज़र अपनी थाली पर पड़ी। थाली में गर्मा गर्म पूरन पोली परोसी हुई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।